हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सौमिल दिखे। आई विल बी टेकिंग योर एसएस फॉर द रेस्ट ऑफ योर टेंथ स्टैंडर्ड। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू फॉर योर टेंथ एग्जाम्स, योर बोर्ड एग्जाम्स। टुडे विल बी स्टार्टिंग विथ चैप्टर वन ऑफ सिविक्स। सिविक्स की आपकी जो बुक है जिसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स नाम दिया है, उसमें सबसे पहला चैप्टर है पावर शेयरिंग। बिफोर वी स्टार्ट विथ द चैप्टर, मैं थोड़ा नाइन्थ का आपका नॉलेज रिफ्रेश करना चाहता हूँ, बिकॉज उस काफ़ी सारा जो नाइन्थ में हमें पढ़ाया गया है उसका ही डीप और डिटेल्स में हमें टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है। सो वॉट इज़ पावर शेयर्ड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हमने नाइन्थ में पढ़ा था कि गवर्नमेंट के तीन ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसमें पावर टोटली शेयर्ड होता है। वन इज़ द लेजिस्लेटिव सेक्टर, वन इज़ द एग्जीक्यूटिव सेक्टर, एंड थर्ड इज़ द जुडिशरी सेक्टर। लेजिस्लेटिव सेक्टर इज़ टोटली बेस्ड ऑन रिफॉर्मिंग द लॉज। लॉज जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर कई लॉज ऐसे हैं कि जो जो यूजलेस है, या तो फिर कई लॉज ऐसे हैं कि जिनका इंडियन पब्लिक के ऊपर ऐसा फील होता है कि ये कोई टाइप का इंजस्टिस क्रिएट करता है, तो वो लॉज को निकाल दिए जाते हैं, नए लॉज फॉर्मुलेट करके नए लॉज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए जाते हैं। और कई लॉज होते हैं कि जिनमें माइनर या मेजर चेंजेस होते हैं, दैट दोज डिसीजंस आर टेकन बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी। सेकेंड इज़ द एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होता है, बहुत ही सिंपल है, जो डिसीजंस एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे इंडिया में आपने पढ़ा होगा कि कैसे इंडिया के कई डिफरेंट गवर्नमेंट के बॉडीज़ है जो उनके खुद के ऑफिस संभालते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर अपना प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस संभालेगा, फिर एजुकेशन मिनिस्टर होता है, फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होता है। तो ये सब लोग जनरली कई बार कई डिसीजंस लेते हैं जिन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जिन्हें अमल में लाना होता है, तो वो एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट वो डिसीजंस एग्जीक्यूट करते हैं, ये उनके पास एक पावर होता है। जुडिशियल स्ट्रक्चर तो थर्ड पार्ट है। जुडिशियल स्ट्रक्चर इज़ मोस्टली फोकस्ड ऑन एग्जीक्यूटिंग द लॉज विच आर फॉर्म्ड बाय द लेजिस्लेटिव सेक्टर। अभी सपोज कई लॉज ऐसे हैं जिसको कोई पब्लिक या कोई इंडिविजुअल या एक ग्रुप अगर वो लॉज को तोड़ता है, वो उन लॉज के अगेंस्ट जाता है, तो जुडिशरी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पनिशिंग द इंडिविजुअल और द ग्रुप। और साथ में जुडिशरी का ये काम भी होता है कि एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम ऑफ अ कंट्री इज़ चेक्ड। ठीक है, तो आज हम पावर शेयरिंग देखेंगे, कैसे डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच पावर शेयरिंग होता है। व्हाट इज़ अ लिंग्विस्टिक ग्रुप और एथनिक ग्रुप। हमारे टेक्स्ट बुक में बहुत ही कॉमन डेफिनेशन दिया हुआ है एन एथनिक ग्रुप का, एंड एथनिसिटी मीन्स अ सोशल डिविजन बेस्ड ऑन कल्चर। ठीक है, हमारे इंडिया में आपने देखा होगा कि कैसे अलग अलग कल्चर्स है, जैसे हिंदू कल्चर है, मुस्लिम कल्चर है, जैन कल्चर है, सिख कल्चर है, क्रिश्चियन कल्चर। तो ये सब जो कल्चर्स होता है, ये कल्चर्स अपने अपने अलग अलग वे ऑफ लाइफ होता है उनका, अपना अलग लैंग्वेज होता है, लेकिन कैसे इन सब कल्चर को एक यूनिटी में रख के एक कंट्री का फंक्शनिंग स्मूथ होना चाहिए, तो उसके लिए कैसा पावर डिवाइडेड होता है, ये इसके बारे में हम दो एग्जांपल देखेंगे, दो कंट्रीज़ के बारे में। पहली कंट्री है बेल्जियम एंड सेकंड कंट्री श्रीलंका। बेल्जियम का जो एग्जांपल है, हम बेल्जियम के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देता हूँ। बेल्जियम इज़ अ कंट्री दैट इज़ सिचुएटेड इन यूरोप। बेल्जियम शेयर्स इट्स बॉर्डर्स विद थ्री अदर कंट्रीज, नेमली फ्रांस, जर्मनी एंड थर्ड इज़ द नेदरलैंड्स। तो ऑब्वियस बात है कि बेल्जियम के अंदर ये अपने आसपास के कंट्रीज़ का कल्चर का इन्फ्लुएंस होने ही वाला है। तो बेल्जियम में जो तीन कंट्रीज है, फ्रेंच, नेदरलैंड्स एंड जर्मनी, तो इन तीन कंट्री के जो भी पब्लिक है वो सब माइग्रेट हुए थे एक टाइम बेल्जियम में। और एंड बेल्जियम डजेंट हैव इट्स ओन लैंग्वेज। बेल्जियम इज़ जनरली स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ द फ्रेंच और द डच। नेदरलैंड्स की पब्लिक है, उनको हम डच कहते हैं। ठीक है, तो बेल्जियम में अराउंड 60% पीपल आर स्पीकिंग फ्रेंच, वाइल 40% पीपल आर स्पीकिंग डच, जबकि
कैपिटल ऑफ बेल्जियम द ब्रसल सिटी, उसमें क्या है कि जो फ्रेंच पीपल है वो ज़्यादा है और डच स्पीकिंग पब्लिक है वो कम है। तो एज ओवरऑल आप देखो तो बेल्जियम में दो एथनिक कल्चर्स है जिनका ज़्यादा डोमिनेंस है, द फ्रेंच एंड द डच। ठीक है, सेकंड द एग्जांपल ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका इज़ अ कंट्री दैट इज़ सिचुएटेड जस्ट बिलो इंडिया, इन जस्ट साउथ ऑफ इंडिया, फ्यू किलोमीटर्स नियर द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। श्रीलंका जब 1948 में उसे अपना इंडिपेंडेंस मिला था तब वहाँ पर दो डोमिनेंट कल्चर्स थे, द सिहाला स्पीकिंग पीपल विच आर नोन एज द सिहालीस, एंड सेकेंड इज द तमिल स्पीकिंग पीपल विच आर नोन एज तमिलियस। देर आर अराउंड 70% पीपल इन श्रीलंका हु स्पीक द सिहाला लैंग्वेज एंड रेस्ट आर तमिलियंस। तो जैसे ये दो एग्जांपल में तुम देख रहे हो कि यहाँ पर दो कल्चर से ज़्यादा डोमिनेटेड है, लेकिन उन दो कल्चर्स में कोई टेंशन ना हो, उन दो कल्चर्स एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज के राइट्स के लिए फाइट ना करें, उसके लिए एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट होना चाहिए। तो वो उसके लिए कैसे पावर शेड होता है या फिर नहीं हुआ उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सेकेंड टॉपिक इज़ द मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका में क्या हुआ कि 1956 में एक लॉ पास हुआ जिसमें ऐसा बताया गया कि जो सिहाला लैंग्वेज है दैट इज़ द ऑफिशियली स्पीकिंग लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। इसके वजह से क्या हुआ कि कई तमिलियंस थे जिन्हें ये फील हुआ कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट ऑफिसेज हो या तो फिर यूनिवर्सिटीज़ हो या तो फिर ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स हो जहाँ पर गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, वहाँ पर ज़्यादा डोमिनेंस होता था सिहालीस कल्चर या तो फिर सिहाला स्पीकिंग पब्लिक का, जिसके वजह से तमिलियंस को एक इनजस्टिस फील हुआ। लेकिन फिर क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने ऐसे कई मेजर्स लिए जिससे क्या फील होने लगी, तमिलियंस को ऐसा फील होने लगा कि हम लोगों को इलिमिनेट कर रहे हैं, यानी हम लोग ये कंट्री के सिटीजन्स के जो राइट्स मिलने चाहिए वो हमें टोटली मिल नहीं रहे हैं। तो उसके वजह से क्या हुआ कि तमिल और सिहालीस जो कम्युनिटीज़ थी उनके बीच जो रिलेशनशिप थी वो स्लोली स्लोली क्या हुआ कि वो ख़राब होते गई। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि एक ऑलमोस्ट एक सिविल वॉर जैसा सिचुएशन खड़ा हो गया, मतलब द सिहाला स्पीकिंग पब्लिक एंड द तमिल स्पीकिंग पब्लिक केम टू फाइट विथ ईच अदर, और जिसके वजह से जो श्रीलंका कंट्री थी उसको काफ़ी नुकसान हुआ था। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं बेल्जियम का। बेल्जियम में क्या हुआ था कि 1970 से 1993 तक उन्होंने एक ऐसा अरेंजमेंट कर दिया था जहाँ पर मिनिस्ट्रीज है, जहाँ पर जो मतलब मिनिस्ट्रीज तो अगर मैं कहूँ तो उनकी जो गवर्नमेंट है उसमें डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर है एजुकेशन मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तो वैसे वैसे जो भी मिनिस्ट्रीज है उनमें इक्वल शेयर होगा डच स्पीकिंग पब्लिक का और फ्रेंच स्पीकिंग पब्लिक का, जिसके वजह से क्या होगा कि कोई भी एक कम्युनिटी को ऐसा फील नहीं होगा कि हमारे साथ कोई काइंड ऑफ इनजस्टिस हो रहा है, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, हमें इक्वल शेयर ऑफ रिसोर्सेज मिल रहा है बेल्जियम का। ठीक है, और इसके वजह से क्या हुआ कि जो दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं उन दोनों के बीच कभी ऐसा कोई टेंशन नहीं हुआ। सेकेंड पॉइंट इज़ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी अलग अलग स्टेट या अलग अलग रीजन्स को जो भी पावर दिए थे वो पावर्स भी शेयर हो गए थे फ्रेंच और डच स्पीकिंग पब्लिक में। मतलब क्या हुआ था कि विद इन अ स्टेट या विद इन अ रीजन भी जो डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग पब्लिक थी उनके बीच कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। थर्ड पॉइंट है कि ब्रसल्स, यानी मैंने कहा कि मैंने तुम्हें समझाया था कि डच स्पीकिंग पब्लिक आर मोर देन फ्रेंच स्पीकिंग पब्लिक इन ब्रसल्स, लेकिन ब्रसल्स के बाहर पूरे बेल्जियम में
द फ्रेंच स्पीकिंग पब्लिक आर मोर। तो क्या हुआ था कि ऐसा ना हो कि ब्रसल्स में फ्रेंच डच पे डोमिनेट करे और ब्रसल्स के बाहर डच फ्रेंच पे डोमिनेट करे, ये सिचुएशन अराइज ना हो। तो ब्रसल्स का खुद का एक अलग गवर्नमेंट बन गया जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन हुआ। इक्वल रिप्रेजेंटेशन सिंपल बात है, डच और फ्रेंच दोनों को इक्वली जगह दी गई उनके मिनिस्ट्री में, उनके गवर्नेंस में, यानी पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें दोनों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला, ठीक है। उसके अलावा पूरे बेल्जियम में एक ऐसा एक थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट है जिसको बोलो कम्युनिटी गवर्नमेंट कहते हैं। वो तो कम्युनिटी गवर्नमेंट, कम्युनिटी गवर्नमेंट का टोटली फोकस है कि वो लोग कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उस पर पूरे तरह से फोकस करेंगे। और उनका फोकस ये भी रहेगा कि जो भी डिफरेंट स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग पब्लिक है उन्हें ऐसा फील ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि सिर्फ अगर एक स्कूल में सिर्फ फ्रेंच लैंग्वेज में ही टीचिंग होगा, डच बिल्कुल नहीं होगा, या तो फिर कोई स्कूल है जहाँ पर डच को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। जो ये जो थर्ड कम्युनिटी गवर्नमेंट है उनका मेनली फोकस यही रहा था कि कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो इश्यूज़ को सॉल्व करना, ठीक है। फिर तो तुम देख रहे हो कि हाउ बेल्जियम एंड श्रीलंका आर टोटली अपोजिट। हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है ये दोनों केस स्टडीज से? तो बेल्जियम बेल्जियम जनरली गेव इम्पोर्टेंस टू ऑल द कल्चर्स इन दर एडमिनिस्ट्रेशन, वाइल श्रीलंका में क्या हो गया कि श्रीलंका में जो सिहालीस पब्लिक थे उन्होंने ट्राई किया कि तमिलियंस को हम डोमिनेट करेंगे तमिल, और जिसके वजह से तमिलियंस को इनजस्टिस फील हुआ। तो तमिलियंस ने अपने राइट्स के लिए फाइट बैक किया, एक रिवॉल्यूशन हुआ, और वो रिवॉल्यूशन वेंट ऑन टू क्रिएट अ सिविल वॉर, जिसके वजह से क्या हुआ कि सिहालीस पब्लिक को भी नुकसान हुआ, तमिलियंस को भी नुकसान हुआ। एज अ कंट्री होल जो श्रीलंका की कंट्री थी उसको काफ़ी नुकसान हुआ था। मतलब हमें ये चीज़ क्लियरली समझना चाहिए कि जो अगर एक कंट्री है जहाँ पर अलग 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 लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, एथनिक ग्रुप्स है, तो हमें हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट्स देना चाहिए। अगर किसी एक भी कम्युनिटी को इनजस्टिस फील होता है देन दे कुड रिटेलिएट बैक, वो लोग अपने राइट्स के लिए अगर लड़ेंगे तो उनको भी नुकसान होगा और जो मेजोरिटी होगी उसको भी नुकसान होगा, ठीक है। तो हमने ये दो एग्जांपल्स हमने इसलिए पढ़े कि हमें टोटली हमारा फोकस रखना होता है कि कैसे कोई भी माइनॉरिटी एथनिक ग्रुप को एक इनजस्टिस फील नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट टॉपिक इज ऑफ फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, कैसे अलग अलग मॉडर्न डेमोक्रेसी में कैसे अलग अलग फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग होता है, कैसे जो गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है उसमें पावर शेयरिंग होता है, या तो फिर कैसे जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट्स है उसमें पावर शेयर्ड होता है, ठीक है। उसमें हम जो पेज नंबर 8 है उसमें पहला पॉइंट हम देखेंगे कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये तो हमने समझा कैसा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट है कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, मतलब जो गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारा सिटी होता है, सिटी में हमने का कॉरपोरेशन होता है, वो सबको अलग अलग राइट्स और अलग अलग ड्यूटीज़ होते हैं उनको, उन्हें अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी होती है और उन्हें डिसीजन मेकिंग के राइट्स होते हैं। वो सेंट्रल स्टेट और उसके स्टेट से भी जो कम लेवल की गवर्नमेंट्स है उन्हें अलग अलग होता है। मैं तुम्हें एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सपोज़ अगर दो सिटीज़ के बीच एक हाईवे बनाना है और वो दो सिटीज़ एक ही स्टेट के अंदर है, तो स्टेट को सेंटर की परमिशन लेने की जरूरत, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो दो सिटीज़ अलग अलग स्टेट से हो रही है तो स्टेट के बॉर्डर के थ्रू वो हाईवे पास होगा, तो गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही डिसाइड करेगा कि तुम्हें कितना एरिया अलॉट किया जाता है, कितना लंबा हाईवे बनाना है, कहाँ से बॉर्डर से पास होना है, ठीक है। तो यही सेकंड पॉइंट है कि कैसे पावर अलग अलग जो भी गवर्नमेंट के पार्ट्स है जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्हें शेयर किया जाता है। अगर ऐसा शेयरिंग ऑफ पावर हो कि कई राइट्स हो जो सेंटर को हो, कई राइट्स हो स्टेट्स को हो,
तो उसे हम एक फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। यही चीज़ बेल्जियम में हुई थी लेकिन श्रीलंका में नहीं हुई थी, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच भी पावर सेम शेयर होना चाहिए। जैसे हमें बेल्जियम का एग्जांपल मिला था, जो रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एथनिक ग्रुप को ज़्यादा एमएलए होंगे असेंबली में और बाकी के कम होंगे, या तो फिर अगर किसी को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं या तो फिर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज होता है एक कंट्री में, वो एक सोशल ग्रुप को ज़्यादा हो दूसरे को कम। ऐसा अगर होगा तो दोनों में टेंशन बढ़ेगी, इसलिए पावर जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं उसमें भी इक्वली शेयर होना चाहिए। और फोर्थ पॉइंट है कि पावर शेयरिंग पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स में ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी या फिर किसी ग्रुप को ऐसा फील ना हो कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो वो लोग क्या करेंगे कि वो लोग अपना एक अपोज कर सकेंगे गवर्नमेंट का, जिसके वजह से क्या होता है कि जो टेंशन होता है बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल ग्रुप्स के बीच एक टेंशन क्रिएट होता है, जिसके वजह से डेमोक्रेसी में हमेशा सिटीजन्स को अपना पावर होना चाहिए अपने लीडर्स चूज़ करने का, या तो फिर जो सिटीजन्स हो उन्हें पावर हो अपने पास ऐसे पावर होना चाहिए कि वो चूज़ कर सके कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट फॉर्म करे, ठीक है। ये सब जो भी राइट्स होते हैं ऑफ अ सिटीज़न या ऑफ अ कंट्री, तो उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल पावर मिलना चाहिए। तो यही चीज़ हमें पावर शेयरिंग चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट चैप्टर सेकंड ऑफ सिविक्स वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ओके। आपके पास जो टेक्स्ट बुक्स है तो टेक्स्ट बुक में पूरा चैप्टर पढ़िए, और चैप्टर में अगर आपको अगर ऐसा फील होता है कि मुझे कोई टर्म समझ में नहीं आ रहा है या मुझे कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है, तो उसे अंडरलाइन कर दीजिए। आई विल बी सॉल्विंग योर डाउट्स, ऑलराइट, ठीक है। बाय, हैव अ गुड डे।